वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ tinkubai.com फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीपी लिंक के वायरलेस डुअल बैंड गीगाबाइट राउटर के बारे में। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो का जो पर्पस है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इस वीडियो का पर्पस क्या है कि आपको एटलीस्ट प्रोडक्ट के बारे में बताना। अगर आप मार्केट में लेने जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया हो कि प्रोडक्ट दिखने में लगता कैसे है, ठीक है, और इसकी MRP क्या है, इसकी रिटेल प्राइस क्या है, इसका जो कस्टमर केयर नंबर क्या है, टोल फ्री नंबर क्या है और इसका ईमेल आईडी क्या है टीपी लिंक वालों का, ठीक है। इसकी थोड़े हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए इसकी बॉक्स है, दिखने में कैसी है वो चेक करिए आप पहले। फिलहाल जैसे कि आप जहाँ देख रहे हैं कि ये टीपी लिंक का एक प्रोडक्ट है। और फ्रेंड, अगर मैं आपको एक बात बता दूँ, जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है मॉडल नंबर AC750 के बारे में, ठीक है। अगर आपको मार्केट में ये लेने जाना है ना टीपी लिंक का, तो आपको सिंपली ये बोलना होगा कि आपको मॉडल नंबर AC750 चाहिए, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ना, अगर आप गूगल में जाएंगे ना, google.com, और वहाँ पे आप लिखते हैं AC750, और वहाँ पे इमेज पे अगर आप क्लिक करते हैं, अगर आप इमेज पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो आपको ना इस प्रोडक्ट की लुक दिखेगी, ठीक है। ये डुअल बैंड देखा जाए, ये जो है डुअल बैंड है, ठीक है। और ये मेन पर्पस क्या है कि जैसे गेमिंग खेलते हैं ना, जैसे ऑनलाइन लोग गेम खेलते हैं, बच्चे या स्टूडेंट्स से कोई भी, जैसे आप कोई भी, तो उसके लिए है। और बहुत अच्छी स्पीड मिलती है इसकी वजह से, तो लुक काफ़ी ऑसम है। अगर आप परचेज करेंगे तब भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और एक मास्टरपीस लगता है। अगर आप कहीं और यूज़ करते हैं अपने घर पर, अपने ऑफिस में साइड भी रखेंगे, तो इसकी लुक काफ़ी ऑसम लगेगी, और लुक रियलिटी में बहुत अच्छी है, ठीक है। बाकी अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं रिगार्डिंग टीपी लिंक के इस प्रोडक्ट के बारे में, आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल देखिए ये सील्ड पैक आता है ऐसे, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये सील्ड पैक आता है। मैं अभी वैसे पूरी कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए। अब हम पहली बात करेंगे फ्रेंड्स इसके वारंटी के बारे में। फ्रेंड, इसकी जो वारंटी आती है ना, 3 ईयर्स की मैन्युफैक्चरर वारंटी आती है, ठीक है। और अब बात करते मैन्युफैक्चरर वारंटी आती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना 3 साल के अंदर, तो आपने करना कुछ नहीं है, सिंपली सर्विस सेंटर जाना है, सर्विस सेंटर में जाके अपना बिल दिखाना है। फ्रेंड, हो सके अगर सामान लेते हैं तो हमें बिल में सीरियल नंबर जरूर मेंशन करवाना आप, ताकि आपको वारंटी में कोई दिक्कत ना हो। 3 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी के साथ ये प्रोडक्ट आता है, ठीक है। और सपोज करो अगर आप किसी लोकेशन में रहते हैं, अगर आपको सर्विस सेंटर के बारे में नहीं पता, तो इसके कस्टमर केयर नंबर भी आप वहाँ पर नंबर डायल कर सकते हैं। इसके मैं ईमेल आईडी बता देता हूँ इनकेस। पहले आप ईमेल आईडी देख लीजिए इनका, ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके, ठीक है। ये देखिए आ गया support.in@tp-link.com। आप यहाँ पे अपनी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप अपनी ईमेल कर सकते हैं इनको, ठीक है। इनकेस अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड, तो टोल फ्री नंबर आप डायल कर सकते हैं, जो कि है 1800-2094-168, ठीक है, 1800-2094-168। ये देखिए, और फ्रेंड ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये टोल फ्री नंबर है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस नंबर पे डायल करते हैं तो आपका पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। और ये जो नंबर है फ्रेंड, जो टोल फ्री नंबर की मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, वो कार्यरत है सुबह 10 से लेके शाम के 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे, संडे इनका जो भी वीकली ऑफ होता होगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक डुअल बैंड एंटीना है इसमें, देखिए 1 2, लुक काफ़ी औसम है। अब फ्रेंड अब इसके बात करते हैं MRP की, ठीक है। MRP के बाद हम सीरियल नंबर की बात करेंगे, कहाँ मिलता है दिखता है। ये देखिए फ्रेंड, MRP जो है फ्रेंड इसकी है 4199 है, यानी कि 4199 का है। और मगर इसकी मार्केट में जो रिटेल वैल्यू है ना फ्रेंड अभी, वो इतनी ही है, और ये मार्केट में प्रोडक्ट जो है ईजिली अवेलेबल नहीं है। ये टीपी लिंक टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड, जो कि चाइना की कंपनी है, ठीक है। अब जैसे लिखा है ना, इम्पोर्टेड बाय टीपी लिंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि इंडिया में इनका एक ऑफिस है जो कि महाराष्ट्र में है, और उसका एड्रेस दिया हुआ वहाँ पे, इंपोर्ट कराया गया इनके द्वारा। प्रोडक्ट के कोड के बारे में बता रहा है AC750, और उसका लगभग वेट दिखा रहा है 720 ग्राम, ठीक है। जेनरिक नेम है AC750 वायरलेस डुअल बैंड गीगाबिट राउटर। MRP आपको मैंने बता ही दिया फ्रेंड, 4199 है, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, 1 यूनिट है, मंथ एंड ईयर इम्पोर्ट भी बता रहा है, September 2016, ठीक है। टोल फ्री नंबर तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको मैंने MRP के बारे में बता दिया, इसकी मैन्युफैक्चरर वारंटी के बारे में बता दिया फ्रेंड्स, 3 साल की है जैसे। अब हम बात करते हैं सीरियल नंबर कहाँ मिलता है प्रोडक्ट का।
इसी के साइड में ही होता है। ये रहा फ्रेंड, ये देख रहे हैं ना, ई ए एन नंबर होता है, ये ई ए एन नंबर होता है, ई ए एन नंबर 13 कोड, ये रहा सीरियल नंबर, ये रहा। जैसे मैं आपको मैं बोल रहा हूँ, जैसे बिल में मेंशन जरूर कराना, सो दैट एट द टाइम ऑफ वारंटी आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वारंटी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये वर्जन 1.0 है प्रोडक्ट आर्चर का, वारंटी में आपको दिक्कत ना नहीं आनी चाहिए, तो सीरियल नंबर जरूर मेंशन कराना। अगर हम फ्रेंड अब बात करते हैं, इसकी एक एप्लीकेशन भी अवेलेबल है आपको, और आप चाहें तो अपने जो मोबाइल फ़ोन है ना, अपने नेटवर्क मोबाइल के फ़ोन के थ्रू भी अपना नेटवर्क मैनेज कर सकते हैं। इसकी एक एप्लीकेशन है, उसके बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको दिक्कत ना आए फ्रेंड्स। अभी हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपका आईफोन है या गूगल का मोबाइल है, मतलब एप्लीकेशन एंड्रॉयड बेस्ड या फिर आईफोन बेस्ड कोई मोबाइल फ़ोन है आपके पास, तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप ये स्कैन भी कर सकते हैं, ये देखिए ये स्कैनिंग देख रहे हैं आप, ये जो है इसको स्कैन करोगे आप तो एप्लीकेशन का लिंक दिखाएगा, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आप पढ़ ले सकते हैं इसको, आप नेटवर्क सेटिंग स्कैन दी क्यूर कोड टू द डाउनलोड टीपी लिंक एप्लीकेशन, उसके बारे में बता रहा है। देखिए सील पैक कैसा है, और ये मैं वैसे भी बताना चाहूँगा, सील पैक होना ज़रूरी है, एटलीस्ट आपका जो किसी शॉपकीपर उस पड़ा है तो पुराना नहीं होना चाहिए, पुराना होता है तो काफ़ी अजीब सा लगता है, मतलब सही नहीं लगता। अब हम इसमें आपको अब हम बात करते हैं फ्रेंड फीचर्स के बारे में। जैसे आपको मैंने बताया था ये डुअल बैंड है, ठीक है, आप इसमें ना 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है, ये दोनों सपोर्ट करता है। अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी, तो आपको जो स्पीड मिलेगी ना फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँ, 300 एमबीपीएस की मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं तो आपको मिलेगी 433 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। ये देखिए एक्चुअली ये आइडियल किसके लिए है कि अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं ना नेटवर्किंग के थ्रू, या ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है, SD स्ट्रीमिंग करता है और लार्ज फाइल डाउनलोड करने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट इसमें अवेलेबल है, ठीक है, जो कि है, देखिए मैं क्या करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ देख रहे हैं ना, आप चाहते हैं पॉज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। फुल 10/100/1000 MBPS ईथरनेट पोर्ट, स्टेबल एंड ब्लेजिंग फास्ट स्पीड मिलती है। USB पोर्ट है, USB पोर्ट किसके लिए, स्टोरेज के लिए है, प्रिंटर शेयरिंग के लिए है, FTP सर्वर के लिए और मीडिया सर्वर के लिए, बहुत अच्छा है ये वैसे इन रियलिटी। और यूज़ करेंगे तो इसका जो फीडबैक मिला है वो बहुत अच्छा मिला है लोगों से भी, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी यूज़फुल रहा है उनके लिए। अब ये देखिए डुअल बैंड है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़, जैसे मैं आपको बता दिया 2.4 में 300 MBPS की स्पीड मिलती है और 433 MBPS की स्पीड मिलती है 5 गीगाहर्ट्ज़ में, जिसमें गीगाबिट पोर्ट है, USB 2.0 पोर्ट है, और एप्लीकेशन भी आपको मैंने बता दिया, आप मोबाइल से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब नेटवर्क को मतलब मैनेज करने के लिए। आप पीछे से देखिए बैक साइड लुक कैसे होती है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको दिखा सकूँ। ये देखिए ये जो बटन है WPS रीसेट करने के लिए, वाईफाई को ऑन ऑफ का बटन करने का ये बटन है। यहाँ पे अगर आपको ADSL राउटर से जो भी आपको वायर आ रही है इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए, यहाँ पे प्लग होता है। ये चार जो पोर्ट देख रहे हैं ना वो गीगाबिट पोर्ट हैं, ये आपका USB पोर्ट है, प्रिंटर कैमरा जैसे लगाए हुए हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे अडॉप्टर लगता है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरी दिखाने की, आप एक एक करके आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, SD स्ट्रीमिंग एंड लार्ज फाइल डाउनलोड के लिए अच्छा है, स्पीड फ्रिक्वेंसी के बारे में बता रहा है, ब्रॉड कवरेज एरिया, दो डुअल बैंड एंटीना है, स्टेबल तो सिग्नल रहेंगे ही, गीगाबाइट वाइड स्पीड है, उसके बारे में बता दिया, USB पोर्ट के बारे में बता दिया है ऑलरेडी, गेस्ट नेटवर्क। अच्छा, आप इसके अंदर अपने जो गेस्ट आते हैं, कभी फैमिली फ्रेंड सर्कल वगैरह कोई भी आता है, उनको भी आप अलग से एक्सेस दे सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। ये देखिए ईजी वायरलेस सिक्योरिटी इंक्रिप्शन एट पुश ऑफ द WPS बटन, वायरलेस ऑन ऑफ का बटन है, और देखिए सबसे अच्छी बात क्या, IP वर्जन 6 इनेबल्ड है, क्योंकि आजकल तो चल ही रहा है IP वर्जन 6 के बारे में,
और पहले तो आईपी वर्जन 4 चल रहा था, अभी भी लोग आईपी वर्जन 4 यूज़ कर रहे हैं, अभी पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हुआ आईपी वर्जन 6 में, टाइम लगेगा, बट आईपी वर्जन 6 काफ़ी अच्छा है, ईजी, काफ़ी ईजी टू यूज़ है, ईजी टू सेटअप है ये। आप यहाँ पे ना थोड़ा चाहें तो पॉज कर लो, सो दैट आपको प्रोडक्ट के बारे में दिखे। अब ये जैसे आर्चर C2 है, उसके बाद स्टैंडर्ड्स के बारे में बता रहा है, स्पीड के बारे में बता रहा है, वायरलेस रेंज के बारे में बता रहा है, इजी टू इंस्टॉल है, गीगाबिट पोर्ट्स अवेलेबल हैं, USB 2.0 पोर्ट एक ही है, सर्फ ईमेल चैट उसके बारे में बता रहा है, म्यूजिक ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, लार्ज फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, मल्टीपल HD वीडियो स्ट्रीमिंग उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, देखिए साइड से लुक देख सकते हैं हम दोबारा। फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, आई होप कि सारी आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। ठीक है, लुक देख लीजिए, सिक्योरिटी के बारे में आपको बता रही है, देखिए यहाँ पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पैकेज कंटेंट में क्या क्या मिलेगा, इंस्टॉलेशन गाइड मिलती है, पावर अडैप्टर मिलता है, एक RJ45 ईथरनेट केबल मिलता है, AC750 वायरलेस डुअल बैंड गीगाबिट राउटर, आर्चर C2 मिलेगा आपको, फिजिकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बता रहा है, स्टैंडर्ड्स आप पढ़ लीजिए फ्रेंड। ठीक है, 2.4 GHz फ्रिक्वेंसी के लिए क्या स्टैंडर्ड है, 5 GHz किसी के लिए क्या स्टैंडर्ड है, सिक्योरिटी के बारे में बता रहा है। फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ ना, काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। एक्चुअली क्या है कि मैं वीडियो इसलिए भी बनाता हूँ, अगर आप कंज्यूमर हैं तो एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया रहेगा कि प्रोडक्ट दिखने में कैसा है, लुक वाइज कैसा है, और मार्केट में लेने जा रहे हैं तो आपको कोई फूल ना बना सके, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट लाइक ए रिव्यू वीडियो है। ठीक है, और मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने में आपके लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक बटन में क्लिक करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि औरों को भी पता चले, अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए, वो भी इन चैनल को यूज़ कर सकें। एक्चुअली हो सकता है कि कल को आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट लेना हो, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर अगर आप चेक करते हैं तो सर आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको IT की प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी मेरी चैनल पर, आपको हो सकता है कि जैसे CCNA है, सिस्को है, CCNP है, उसकी वीडियोस मिल सकती हैं, एजुकेशनल मैथ्स के लिए हो सकता है, वैदिक मैथ्स के लिए हो सकता है, कुछ भी ऐसा मतलब जो यूज़फुल हो डे टू डे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगेगी, प्लीज़ लाइक बटन में क्लिक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और दूसरे फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि वो भी चैनल सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।